अ वेरी गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने आमोदनी की बुक से चैप्टर पढ़ा था छींक छींक छींक, जिसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। लेकिन इस वीडियो में हम उद्बोधन पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुक उद्बोधन की निकाल लीजिए। देखिए, ये आपकी उद्बोधन की बुक है और इस बुक से आज हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कारक। तो बच्चों, लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कारक किसे कहते हैं, कारक क्या होता है। तो वाक्य में आए ऐसे शब्द, या हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, जो अन्य शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, वो कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं कारक के बारे में कि कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ने, को, के लिए, का, में, पर आदि ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं। प्रत्येक कारक का अपना एक निश्चित चिन्ह होता है। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। तो ये देखिए, नीचे कुछ एग्जांपल्स यहाँ बुक में आपके दिए गए हैं, इनको हम देखकर समझ सकते हैं कि कारक किसे कहते हैं। राम ने रावण को मारा, ये हमारा पहला उदाहरण है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राम के साथ में ने शब्द का प्रयोग हो रहा है, राम के साथ ने शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये ने जो है, ये हमारा कर्ता का, कर्ता के साथ आने वाला कारक चिन्ह है, अर्थात राम ने रावण को मारा। तो जो हर कारक के अपने चिन्ह होते हैं, आठ कारक के भेद होते हैं हमारे, और आठ के आठ कारकों के अपने अपने चिन्ह होते हैं। कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है, ये आप अभी नीचे पढ़ेंगे इसमें। तो यहां पर हमने देखा कि राम ने रावण को मारा, तो ने जो है हमारा कर्ता कारक का चिन्ह है और ये उसी शब्द के साथ आता है जो हमारा काम को करने वाला होता है। काम को करने वाला अर्थात कर्ता, कर्ता के साथ प्रयोग किया किए जाने वाले चिन्ह को हम कर्ता चिन्ह कर्ता कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा। पेड़ पर बंदर बैठा है। अब पर जो है हमारा, ये भी कारक चिन्ह है, लेकिन ये क्या बताता है हमें कि क्रिया हमारी कहाँ पर हो रही है, क्रिया के होने का आधार क्या है। तो ये वो चिन्ह है जहां पर क्रिया होती है। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बैठने की क्रिया कहाँ पर हो रही है, पेड़ पर। तो ये जो पर है या मे है, ये हमारे दूसरे कारक का चिन्ह होता है, अर्थात अधिकरण कारक का चिन्ह है, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, को, पर के लिए, में, की, अरे शब्द कारक चिन्ह है। इन्हें परसर्प भी कहा जाता है। तो कारक चिन्हों को हम बच्चों परसर्प भी कहते हैं, क्योंकि ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करते हैं। तो ये हमने अभी आपको समझाया कि वाक्य के अन्य शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं नीचे की येल्लो बॉक्स में ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये कारक की परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। अब आते हैं हम कारक के भेद। कारक के भेद कितने होते हैं बच्चों? कारक के आठ भेद होते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि कारक के आठ भेद होते हैं और हर कारक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है, अर्थात कारक चिन्हों को हम विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कारक के भेद दिए गए हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो ये हमारे कारक के भेद हैं। अब नेक्स्ट कॉलम में हम देख रहे हैं, पिंक कॉलम में, कि इसकी जो है चिन्ह दिए गए हैं कारकों की। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक का चिन्ह है को। करण कारक का चिन्ह है के द्वारा, से के द्वारा। संप्रदान का चिन्ह है को या के लिए। अपादान का से। संबंध कारक काकी के या रारी रे। अधिकरण कारक का चिन्ह है मे या पर। संबोधन का चिन्ह है हे अरे, अर्थात जिनसे हम संबोधित करते हैं सामने वाले को, तो वो संबोधन कारक कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कर्ता कारक किसे कहते हैं। देखिए, आप बुक में पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूं अभी। तो हम पढ़ेंगे कर्ता कारक के बारे में। शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि यहाँ कर्ता द्वारा कार्य संपन्न किया जा रहा है, अर्थात कर्ता के द्वारा ही कार्य को संपन्न किया जा रहा है, वहां कर्ता कारक कहलाता है। यानी कि किसी के द्वारा किसी काम को करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है, अर्थात वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो ही कर्ता होता है और उसके साथ प्रयोग होने वाला चिन्ह कर्ता का चिन्ह, कर्ता विभक्त कारक का चिन्ह कहलाता है, अर्थात वो होता है कर्ता कारक, जिससे जिसका चिन्ह है ने। विशाल ने खाना खाया।
विशाल ने खाना खाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विशाल ने यानी कि ने जो चिन्ह है वो कर्ता कारक का चिन्ह है। राहुल ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ने जो कर्ता का चिन्ह कर्ता के साथ प्रयोग हुआ है ये कर्ता कारक का ही चिन्ह है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कर्म कारक। कर्म कारक का क्या परिभाषा है बच्चों, कि वे वाक्य जिसमें क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, अर्थात जो काम हो रहा है उसका फल कर्ता पर न पड़कर क्रिया पर पड़े, वहां पर कर्म कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो पकड़ने का कार्य किसके लिए किया गया है, चोर को, यानी कि पकड़ने का जो फल है वो चोर पर पड़ रहा है, पुलिस पर नहीं पड़ रहा। पुलिस किसके लिए कार्य कर रही है, चोर के लिए। तो ये हो गया हमारा कर्म कारक, अर्थात जब हमारा क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर ना पड़कर क्रिया कर्म पर पड़ता है, वहां पर हमारा होता है कर्म कारक। नेक्स्ट आता है, इन वाक्यों में पुलिस डॉक्टर और भीम की क्रिया का फल चोर रोगी और दुर्योधन पर पड़ रहा है, अतः यहाँ कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हम कर्म कारक कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ रहा है। अब आते हैं नीचे थर्ड नंबर पर करण कारक। करण कारक की परिभाषा है बच्चों की कर्ता जिस साधन से कार्य करता है, अर्थात कर्ता जो कार्य कर रहा है वो किस साधन के द्वारा किया जा रहा है, तो वहां पर हमारा होता है करण कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है बच्चों वो से होता है या के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जहां पर भी आप देखेंगे कि से या के द्वारा चिन्ह लगा होता है, प्रयोग किया जाता है, वहां पर करण कारक होता है। जैसे पिताजी हवाई जहाज से के द्वारा दिल्ली जाएंगे, पिताजी हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली जाएंगे, यानी कि किसके द्वारा जाएंगे, अपनी यात्रा वो किसके द्वारा करेंगे, हवाई जहाज के द्वारा। तो के द्वारा जो चिन्ह है हमारा वो यहाँ होगा करण कारक। रोहित ने चम्मच से खाना खाया, खाना किस चीज से खाया, क्या साधन का प्रयोग किया गया, चम्मच का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा चिन्ह है वो क्या है, करण कारक है, यानी कि के द्वारा। पिताजी हलवाई उसने झाड़ू से सफाई की, सफाई किसके द्वारा की गई, झाड़ू के द्वारा, अर्थात साधन हमारा क्या है यहाँ, सफाई करने का, झाड़ू है, तो इसे हम कहेंगे करण कारक। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट पेज पर संप्रदान कारक। फोर्थ नंबर पे है संप्रदान कारक। कर्ता अथवा सर्वनाम जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे प्रकट करने वाला संप्रदान कारक कहलाता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, अर्थात कर्ता या सर्वनाम जिसके लिए कार्य किया जाता और उसको प्रकट करने वाला जो चिन्ह होता है वो संप्रदान कहलाता है। जैसे वह बच्चों के लिए दूध लाया, किसके लिए दूध लाया, बच्चों के लिए। तो के लिए शब्द से हमें ये पता चला कि जो कार्य है वो बच्चों के लिए किया गया, बच्चों के लिए। तो कर्ता ने किसके लिए कार्य किया, बच्चों के लिए, तो के लिए हमारा होगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट आता है अपदान कारक। जिस शब्द से अलग होने, तुलना करने अथवा डरने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे अलग होने का अर्थ, अब आप सोचेंगे कि मैम अलग होने में क्या, कैसे अलग होने में कैसे प्रयोग करें इसको। अब देखिए, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, उधर हमने पढ़ा था कि करण कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन वो जब उसी साधन से कार्य करता है तो वहां से आता है तो करण कारक होगा। अब हम यहां देख रहे हैं कि अलग होने के अर्थ में पेड़ से पत्ता गिरा, चिन्ह तो हमारा सेम है, से है, लेकिन पेड़ से जो पत्ता गिरा वो गिरकर अलग हो गया, पत्ता पेड़ से गिरकर अलग हो गया, तो यहाँ पर होगा हमारा संप्रदान कारक। अब होता है से तुलना के अर्थ में, तुलना के अर्थ में जब आता है से, तब भी हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो से जो है ये तुलनात्मक में आया, तुलनात्मक स्थिति है दोनों की, मोहन की और सोहन की, तो जब तुलनात्मक अवस्था में आता है से, तब भी हमारा कौन सा कारक होता है, अपदान कारक। अब हमारा आता है डरने के पक्ष में, वह शेर से डर गया या वह कुत्ते से डर गया, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो से जो है हमारा डरने के भाव में आया है, तो यहां पर भी हमारा अपादान कारक होगा। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका खा नंबर पे जो एग्जाम्पल है, मेज पर पुस्तक रखी है, ये गलत है, ये अधिकरण कारक का एग्जाम्पल है ना कि अपादान कारक का। तो ये एग्जाम्पल इससे आप हटा दें, केवल दो ही एग्जाम्पल इसमें सही दिए गए हैं बुक में, पेड़ से फल गिरते हैं या बच्चा कुत्ते से डर गया, दो एग्जाम्पल सही है। बीच वाला जो एग्जाम्पल है खा नंबर पे, ये हमारा गलत दिया गया है इसमें बुक में, ये हमारा अधिकरण का एग्जाम्पल है ना कि अपादान का। अब नीचे आते हैं संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से संज्ञाओं अथवा सर्वनामों के परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो कैसे पता चलता है, काकी के शब्दों के द्वारा या रारी के शब्दों के द्वारा। जैसे वह मोहन की कार है, की
तो कारकार मोहन का संबंध बताया की शब्द ने, तो ये की शब्द जो है ये हमारा संबंध कारक है। वह मेरी पुस्तक है, मेरी री लगा इसमें, तो मेरी, तो री शब्द से हमें पता चल रहा है मेरी यानी कि वो पुस्तक मेरी है, तो ये संबंध बता रहा है मेरा और पुस्तक का, तो यहाँ पर होगा हमारा संबंध कारक। वह राहुल का घर है, घर किसका है, राहुल का, तो यहाँ का शब्द ने राहुल और घर का संबंध बताया, तो यहाँ होगा हमारा संबंध कारक। अब आते हैं नीचे अधिकरण कारक पर। अधिकरण कारक क्या है बच्चों, कि जिन शब्दों से क्रिया के होने का आधार नजर आए, क्रिया के होने के आधार का बोध हो, वो शब्द अधिकरण कारक कहलाते हैं। आधार क्या, कि क्रिया कहाँ पर हो रही है। सपोज एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि माताजी छत पर कपड़े सुखा रही हैं। माताजी कपड़े कहाँ पर सुखा रही हैं, छत पर, तो क्रिया की कहाँ की जा रही है, सुखाने की जो क्रिया है वो कहाँ की जा रही है, छत पर की जा रही है, तो पर जो शब्द है हमारा वो ये होगा अधिकरण, अधिकरण कारक। बिल्ली कमरे में बैठी है, बैठने की क्रिया कहाँ हो रही है, कमरे में, तो मे जो शब्द है हमारा, मे जो चिन्ह है वो हमारा किसका चिन्ह होगा, अधिकरण कारक का, यानी कि मे या पर जो है वो अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि क्रिया के होने का आधार क्या है, कहाँ है। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे संबोधन कारक पर। इसमें भी बच्चों अधिकरण कारक में भी एक एग्जाम्पल ये गलत दिया गया है, लास्ट वाला, घोड़ा मैदान पर चल रहा है, पर नहीं होता मे होता है, घोड़ा मैदान में चल रहा है, ठीक है, पर नहीं होगा। अब आ जाते हैं संबोधन कारक पर, लास्ट है ये हमारा 8th नंबर का, कि संबोधन कारक जिन शब्दों के द्वारा संबोधन किया जाता है। हमारे सामने कोई है, सपोज सामने वाले को हम अरे हे ऐसे कह के बुलाते हैं, हे भगवान, तो हमने हे शब्द से संबोधित किया भगवान को, तो हमारा संबोधन कारक कहलाएगा हे शब्द, यानी कि संबोधित करने वाले जो शब्द होते हैं वो संबोधन कारक कहलाते हैं। अरे इधर सुनो, अगर हमें किसी को बुलाना है सामने वाले को, तो हम कहेंगे कि अरे इधर सुनो, तो अरे शब्द जो है ये हमें हम संबोधित कर रहे हैं दूसरे को बुलाने के लिए, तो यहाँ पर होगा हमारा संबोधन कारक। ठीक है, तो इसका जो चिन्ह होता है अरे, हे भाई, हे भगवान, ये हमारे संबोधन कारक के चिन्ह है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह हे और अरे है, तो ये हमारे कारक का चैप्टर हमने पढ़ा यहाँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ नेक्स्ट पेज नंबर पर आइए, पेज नंबर 61 पर। संज्ञा शब्दों के विभक्तियों के रूप हैं ये बच्चों, ये आपको खुद देखने हैं। ठीक है, ये मैं आपको जो है इसमें पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि काफी टाइम लगेगा इसमें पढ़ने में, ये आप खुद पढ़ सकते हैं। जैसे कर्ता कारक बालक है हमारा, तो बालक के साथ कौन सा चिन्ह आएगा, बालक ने, और बहुवचन में अगर हो जाता है तो वो हो जाएगा बालकों को, यानी कि बालक एक वचन है तो उसके साथ क्या आना है, बहुवचन के साथ क्या आना है, ये सभी यही दिए गए हैं इसमें। सभी में यही है कि आकारांत, उकारांत, इकारांत, जितने भी ये शब्द हैं उनके साथ एक वचन में कौन सा कारक चिन्ह आना है, बहुवचन में कौन सा कारक चिन्ह आना है, यही सब दिया गया है इसमें बच्चों, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ, एक्सरसाइज पर आ जाइए। देखिए ये है, उचित विभक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हम यहां देखते हैं कि कौन सा विभक्ति चिन्ह आना चाहिए। पहला है डैश, भगवान मेरी रक्षा करो, यहां देखते हैं इसमें आएगा, पहले वाले वाक्य में आएगा हे, डैश, ये एक्सरसाइज नंबर है हमारी 2। खा में आएगा सपेरे ने, सांप को, तो ने पहले डैश में आएगा, ने दूसरे में आएगा को। थर्ड वन इज गुरुजी को, गुरुजी को। नेक्स्ट इज मेहमानों के लिए, तो यहां आएगा के लिए। नेक्स्ट वन इज व्यायाम करने से, तो ये हमारे फिलअप्स हो गए बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करते हैं, देखिए इसमें क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा है कि उचित विभक्तियों से रिक्त स्थानों, सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वाक्यों को रेखांकित करके दी गई रेखा पर लिखिए। मीन्स इसमें आपको कर्ता कारक को या जो भी कारक है उसको अंडरलाइन करना है और आगे उसका भेद बताना है। मीन्स
जो कर्ता इसके कारक के चिन्ह हैं उसमें आपको अंडरलाइन करना है, और ये जो लाइन दी गई है यहाँ देखिए, ये जो लाइन दी गई है इसमें आपको इसका भेद लिखना है। तो देखिए एक्सरसाइज नंबर थर्ड, ये मैं इरेज करती हूँ, एक्सरसाइज नंबर थर्ड कराती हूँ। पहले मैं आपको ऐसे ही बोलकर बता रही हूँ, आप इसमें अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक में। पहला वाक्य है अध्यापक ने बच्चों को पीटा, अध्यापक ने बच्चों को पीटा। तो इसमें आप सबसे पहले ने को अंडरलाइन करिए, फिर को अंडरलाइन करिए। ने हमारा कर्ता कारक है और को हमारा कर्ता कारक है। नेक्स्ट है टीवी मनोरंजन की वस्तु है, तो इसमें करेंगे आप की को अंडरलाइन करेंगे और ये होगा हमारा संबंध कारक। नेक्स्ट वन इज कृष्ण ने कंस को मारा, तो ने को अंडरलाइन करेंगे और को अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा पहला होगा कर्ता कारक और दूसरा होगा कर्म कारक। नेक्स्ट वन इज भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में आप को शब्द को अंडरलाइन कर देंगे और इसका जो भेद है वो होगा संप्रदान कारक। नेक्स्ट वन इज बच्चों के लिए मिठाई लाओ, सॉरी पटाखे लाओ, बच्चों के लिए पटाखे लाओ, इसमें है के लिए हमारा संप्रदान। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो देखिए वाक्य के साथ भेद होते हैं, नहीं ये हमारा गलत वाक्य है। प्रत्येक कारक का अपना विभक्ति चिन्ह होता है, जी हाँ बिल्कुल सही वाक्य है ये, सही टिक कर दीजिए इसको। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं, ये गलत शब्द है क्योंकि अन्य शब्दों से बताने वाले संबंध को कारक कहते हैं, तो ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ये भी हमारा गलत है, ये करण कारक होगा इसका, ये रॉन्ग कर देंगे आप इसको थर्ड सेंटेंस फोर्थ सेंटेंस को। फिफ्थ सेंटेंस है हमारा जिन शब्दों के द्वारा संबोधन किया जाए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं, ठीक है ये बिल्कुल इसको टिक करेंगे। लास्ट है कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल जब कर्म पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहा जाता है, तो ये हमारा सही वाक्य है, इसको हम सही करते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स बच्चों रह गए हैं, वो मैं आपको टिक करा देती हूँ, इसी में आप टिक कर सकते हैं बुक में। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये आप करेंगे, इसमें देखिए पहला जो ऊपर ही आपके ग्रीन बॉक्स में दिया गया है ये देखिए, सॉरी ये इसमें कारक चिन्ह की परिभाषा है, आप आ सकते हैं पेज नंबर 58 पर आ जाइए, यहां देखिए आप ये पेज नंबर 58 पर है, यहां आप इसका ये फर्स्ट आंसर है आपका, यहां से येलो बॉक्स में जो दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहां लिखेंगे आप, इसके बाद लिखेंगे उदाहरण, यहां लास्ट में उदाहरण लिख के ये दो उदाहरण आप इसमें लिख देंगे, दो उदाहरण, और जो इसमें कलरफुल वर्ड्स हैं इसको आप रेखांकित कर देंगे, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, येलो बॉक्स वाली पूरी परिभाषा आप लिखेंगे, उसके बाद उसके दो एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे लिखकर यहां लास्ट में जैसे लिख देंगे उसके बाद इसके दो एग्जाम्पल्स लिख देंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कारक के कितने भेद होते हैं, इनके नाम लिखिए। ये देखिए ये बिल्कुल इसके नीचे ही दिए गए हैं, ये वाला आंसर है इसका, कारक के आठ भेद होते हैं, यहां से कारक के आठ भेद होते हैं और यहीं तक लिखेंगे ये लाइन बस, उसके बाद ये आठ नाम आप कारक के यहां आंसर में लिख देंगे, ये आठ नाम आपको लिखने हैं और यहां से पहले स्टार्टिंग यहां से करेंगे आंसर नंबर टू की, कारक के आठ भेद होते हैं और यहां से आप इसके आठ के आठ भेद लिख देंगे, कारक के आठ भेद होते हैं, आठ के नाम लिख देंगे, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों ये आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बताती हूँ आपको लिखवाती हूँ, सेंटर लाइन लिखेंगे बीच में, इधर लिखेंगे कर्म कारक और एक तरफ लिखेंगे संप्रदान कारक, यहां लिखेंगे कर्म कारक और यहां लिखेंगे संप्रदान, कर्म कारक में कर्म कारक की परिभाषा, संप्रदान कारक में संप्रदान कारक की परिभाषा, मैं आपको बता रही हूँ कहां से लिखेंगे। देखिए आंसर नंबर थर्ड में इधर आ जाए,
ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं आप, ये थर्ड टू पॉइंट पर लिखा है कर्म कारक, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दिख रहा है आपको अच्छे से। तो ये आपको पूरी कर्म कारक वाले कॉलम में लिखनी है, पूरी परिभाषा यहाँ तक, कर्म कारक की पूरी परिभाषा आपको यहाँ लिखनी है और ये इसके दो एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है, समझ में आ गया, दो एग्जाम्पल्स देने हैं और ये पूरी कर्म कारक की आपको परिभाषा यहाँ लिखनी है। और संप्रदान कारक में देखिए दो एग्जाम्पल इसके लिखने हैं आपको साथ में, संप्रदान कारक यहाँ आप नेक्स्ट पेज पर आ सकते हैं, यहाँ देखिए ये देख सकते हैं, यहाँ ये संप्रदान कारक है, ये आपको संप्रदान के कॉलम में दिया गया है लिखना है, जो मैंने आपको यहाँ बताया है, दो कॉलम बनाने हैं सेंटर लाइन खींच के, कर्म कारक में कर्म कारक की परिभाषा और संप्रदान कारक में संप्रदान कारक की परिभाषा, देखिए यहाँ दिया गया है और इसके भी आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं संप्रदान कारक के भी, पूरी परिभाषा और दो एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपादान कारक और करण कारक के दो दो उदाहरण, आपको ये कैसे लिखना है देखिए मैं बताती हूँ आपको, पहले आप लिखेंगे अपादान कारक, इसके आपको दो एग्जांपल लिखने हैं, वो आप एक यहां लिखेंगे और ऐसे बना के एरो एक लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे आपका पूछा है उन्होंने क्वेश्चन में कि करण कारक, यहां पर लिखेंगे करण कारक, करण कारक देख लीजिए आप ध्यान से, ऐसे भी इसमें भी ऐसे और ऐसे, यहां पर एक उदाहरण, यहां पर दूसरा, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ उदाहरण कौन कौन से लिखने हैं, करण कारक में आप लिखेंगे पेज नंबर 59 से, पेज नंबर 59 पर आ जाइए और देखिए ये दो उदाहरण आप लिख देंगे इसमें से, यहाँ दिए गए हैं, पिताजी हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली गए, ये आपका आ जाएगा एक एग्जाम्पल करण कारक में, और दूसरे में दूसरा आएगा उसने झाड़ू से सफाई की, ये दोनों एग्जाम्पल आप करण कारक के लिखेंगे। और दूसरा है अपादान कारक, अपादान कारक के उदाहरण भी मैं आपको बता रही हूँ, अपादान कारक के देखिए ये दोनों उदाहरण आपको लिखने हैं, ये रहे दोनों, पेड़ से फल गिरते हैं और दूसरा है बच्चा कुत्ते से डर गया, ये दोनों एग्जाम्पल आपको अपादान कारक के लिखने हैं। इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे जरूर एक बार, और ये सारी जो कॉलम्स टेबल दी गई हैं ये आपको एक बार पढ़ना है इसको, इसके एक वचन रूप और बहुवचन रूप कैसे हमें बनाने हैं, और इसके साथ चैप्टर कंप्लीट होता है बच्चों ये। और लास्ट जो आमोदिनी का चैप्टर मैंने आपको कराया था लास्ट वीडियो में, उसकी जो क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।